अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको अपना छोटा सा किचन दिखाने जा रही हूँ। ये है मेरा छोटा सा किचन। नीचे मैंने कारपेट भी बिछाया हुआ है और नीचे वाले मेरे कैबिन नहीं बने हुए तो मैंने कर्टन लगाए हुए हैं। साथ इस दीवार के साथ मेरी कैबिन है। ये देखें, देखिए मैंने किस तरह इसको मैनेज किया हुआ है, छोटे से किचन को। फ्रिज है, ओवन भी है अंदर, हर चीज़ मतलब ना अच्छे से मैनेज की हुई है। आज मैं चिकन कढ़ाई बनाने जा रही थी तो सोचा आपके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले 1 कप ऑयल लेना है और इसको गर्म होने के बाद इसमें 3 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज ऐड करने हैं। अब इनको ना हमने गोल्डन ब्राउन होने देना है प्याज को अच्छी तरह। जब ये सही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर उसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ये देखें इतने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन को मैं फ्राई कर लेती हूँ साथ ही, ताकि उसकी स्मेल वगैरह ना आए। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, दोनों का एक एक चम्मच होना चाहिए। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे गरम मसाला, मतलब साबुत ज़ीरा होगा और दालचीनी का एक टुकड़ा और मोटी इलायची होगी। इसको फ्राई कर लेंगे। अब नमक जो है हसबे ज़ायका ऐड करेंगे और सुर्ख मिर्च 2 चम्मच। अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और साथ ही टमाटर, तकरीबन 3 दरमियाने साइज के कटे हुए टमाटर है और 1 कप दही। इसको मैंने बीट कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि उसकी ना वो फ्राई हो चुके ना तो फिर स्मेल नहीं आती पहले। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह मसाले जात को हम कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। ये देखें 5 मिनट हो गया। अब एक दफ़ा अच्छी तरह सारा चम्मच हिला लेंगे ताकि नीचे वगैरह ना लगे। और ये देखिए, इसको मज़ीद हम ना 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ना कवर करके इसको रख देंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं बीच में। ये देखें, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है चिकन कढ़ाई। अब हम इसमें ना सब्ज मिर्च, कटी हुई सब्ज धनिया ऐड करेंगे और कटी हुई अदरक। ये जी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपनी ना फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।